अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। इट्स सिंपल एंड इजी। आज जो बनने जा रहा है फरमास किचन में, ये काली मसूर दाल के पुलाव बनाने जा रही हूँ मैं। इसे बनाने के लिए, या फिर आप मसूर दाल की बिरयानी भी कह सकती हैं, इसे बनाने के लिए जो हम लोगों को चीजें चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया है राइस, अबाउट इट्स 3 कप ऑफ राइस। राइस हमारा जा रहा है साथ में, दाल हमारी जाएगी 3 कप ऑफ राइस में, 1.5 कप ऑफ दाल जाएगी हमारी। राइस को हम लोगों को सिंपली बॉयल कर देना है साबुत मसाले के साथ। आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से बॉयल करना है। साथ ही दाल के साथ जो हमारी चीजें जाएगी, टोमेटो प्यूरी जा रही है हमारी। सिंपली मैंने 2 मीडियम साइज ऑफ टोमेटोज को ग्राइंड कर लिया, इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है। 1 मीडियम साइज बंच हमारा जा रहा है धनी की पत्ती की। 3 ग्रीन चिली मैंने इसे फाइनली स्लाइस कर लिया है। लेमन जूस जा रहा है, 1 लार्ज साइज ऑफ लेमन को मैंने स्क्वीज करके यहाँ पे रख लिया है। थिक ग्रीक योगर्ट जो हमारी होती है, फुल फैट वाली दही हमारी जा रही है। हमारी जो दही जा रही है इट्स अबाउट 5 टेबल स्पून। साथ में यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है। गार्लिक हमारा जा रहा है अबाउट 1 टेबल स्पून ही फुल जा रहा है, एंड जिंजर हमारा जा रहा है 1 टेबल स्पून। आप लेवल लीजिएगा, 1 टेबल स्पून ही फुल एंड 1 टेबल स्पून लेवल। साथ ही ड्राई स्पाइसेस में हमारा सॉल्ट जा रहा है अबाउट 1.5 टीस्पून हमारा सॉल्ट जा रहा है। 1 टीस्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर जो की हल्दी का पाउडर होता है, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कम ज्यादा अपने हिसाब से नमक मिर्ची मैं हमेशा आपको बताती हूँ। साथ ही यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर जा रहा है जो आपके धनिये का पाउडर होता है, वो जा रहा है हमारा 1 टीस्पून ही फुल जा रहा है हमारा। क्यूमिन पाउडर जो जीरे का पाउडर होता है, वो जा रहा है 1 टेबल स्पून ही फुल। गरम मसाला 1 टेबल स्पून ही फुल, एंड बिरयानी मसाला 1.5 टेबल स्पून आई एम यूजिंग। इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहती हैं तो इसे ऐड कर दें, इससे टेस्ट आपका इनहेंस हो जाता है, बस यही फर्क होता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारे साबुत मसाले में जा रहे हैं, साबुत मसाले में हमारा बेलीज जा रहा है, मैंने इकट्ठे निकाल लिया है। हाफ मैं राइस में ऐड करूंगी और हाफ जो दाल और आलू का जो हमारा बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ आपको आलू दिखाना भूल गई। आलू हमारा जा रहा है अबाउट 2 मीडियम साइज के आलू, मैंने इस तरीके से इसे बड़े साइज में काट लिया है। चिकन बोनलेस मैं यूज कर रही हूँ, इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहती हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो फिर आप इसे कम्प्लीटली ऑफ कर सकती हैं। इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है और मैं पर्सनली चाहती हूँ इसमें चिकन ऐड करना, तो इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। ये हमारा 1 मीडियम साइज चेस्ट की पीस जा रही है, इस तरीके से छोटा मैंने कटवा लिया इसे। और साथ ही मसाले में मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे बेलीव जा रही है, 4 बेलीव्स हमारी जो चिस्पात होता है। सौंफ जा रहा है हमारा, फेनल सीड जो होती है 1 टीस्पून जा रही है। जीरे की सीड जो होती है, साबुत जीरा जो होता है 1 टीस्पून जा रहा है। ब्लैक पेपर कॉर्न, साबुत काली मिर्च जो होती है हमारी, वो जा रही है 1 टीस्पून हमारा यूज हो रहा है। हाफ मैं राइस में डालूंगी एंड हाफ हमारा जो ये मसाला बनेगा हमारा उसमें जाएगा। ये जैवित्री जा रही है जो हमारा मेस होता है, वो जा रहा है 1 हमारा इसमें जाएगा एंड 1 उसमें जाएगा। साथ ही क्लोव जा रहा है, ग्रीन कार्डमम, एंड आपका ये बादियान का फूल जो होता है स्टार एनिस, वो जा रही है। और ब्लैक कार्डमम जो मोटी इलायची होती है, वो जा रहा है हमारा। सिनेमन स्टिक जा रही है, अबाउट 2 इंच की मैंने यूज किया है। साथ ही यहाँ पे अनियन, 1 लार्ज साइज ऑफ अनियन को मैंने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रोसेस कैसे करना है। राइस बनाने के लिए हम लोगों को राइस को बॉयल करना है और उसे स्ट्रेन कर लेना है। मैंने वाटर पहले ही चढ़ा रखा था, इट्स बॉइलिंग नाउ, आप देख सकती हैं। इसमें हमारा 2 बेलीव्स जाएगा, 1 मोटी इलायची, 1 हमारी स्टिक जाएगी, स्टार एनिस जाएगा बादियान का फूल, 1 हमारा जावित्री जाएगी, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, साथ ही 6 से 7 दाने हमारे काली मिर्चों के चले जाएंगे। 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा का हाफ मैं इसमें डाल दूंगी, और सारे सौंफ जो थे, सौंफ हमारे राइस में ऐड होंगे, सारे सौंफ राइस में जाएंगे। हम लोग को ग्रेवी में सौंफ का यूज नहीं करना है, तो इस वजह से जितना भी सौंफ था वो सब हमारा राइस में ही जाएगा। साथ ही इसमें मैं अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड करूंगी एंड 1 टेबल स्पून ही फुल हमारा सॉल्ट जा रहा है। ये बॉयल हो चुका है, राइस हमारा वॉश्ड है, इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ जो राइस था हमारा, इट्स 3 कप, मैंने आपको पहले बताया 3 कप ऑफ राइस है हमारा।
हमारा राइस चला गया और इसे हम लोग कुक करेंगे 90% हम लोग इसे कुक कर लेंगे। साथ ही आपको दिखाती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। और साथ ही जो हम लोग आलू चिकन और दाल का जो प्रोसेस करना है उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल रखा है, अबाउट 1/4 कप ऑफ ऑयल जा रहा है। साथ में इसमें साबुत मसाले जो हमारे रिमेनिंग थे ये सारे मसाले हमारे चले जाएंगे और इसे वेट करेंगे अंटिल ये अच्छे से हो जाए, इसकी अरोमा आ जाए हमारे पास। ये देखिए ये हो चुका है, इसी में हमारा जो चिकन था ये चिकन चला जाएगा और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी पोटैटो, आलू चला जाएगा हमारा और इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस कलर आ जाए इतना फ्राई कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसमें कलर आ चुका है, हम लोगों को इस स्टेज पे इतनी ही कुक करना है कि बस इस पे कलर आ जाए। चिकन पे भी हल्का कलर आ गया है और आलू पे भी आ गया है, देख सकती हैं आप। अब जो है हम लोगों का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा। फ्लेम हमारा शुरू से लेके अभी तक हाई पे ही है, इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ये देखिए डाल करके मैंने भून लिया है, लहसुन अदरक डाल करके अच्छे से भुना गया है और अब इसी में जो है हमारा सारा मसाला जो था ये सारा मसाला चला जाएगा। सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया, अच्छे से इसे भून लेते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त सी मसाला डालती है, स्मेल आने लगी है, सारा खेल इसके मसाले का ही होता है। इस तरीके से सारा मसाला चला गया है। साथ ही जो मैंने आपको प्यूरी दिखाई थी ये प्यूरी हमारी चली जाएगी। फ्लेम हमारा शुरू से लेके अभी तक हाई पे ही है और दूसरे साइड हमारा राइस भी हाई फ्लेम पे कुक हो रहा है। इस तरीके से इसे हम लोग कर लेते हैं और अब जो है योगर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी ये सारी योगर्ट चली जाएगी हमारी, मिक्स कर लें। फौरन से मिक्स कर दीजिएगा योगर्ट डालती, वरना ये क्या होता है क्रिडल हो जाती है, आपको लम्स की तरह जो दरदरी की तरह नहीं लगती है वैसे होने लगेगी अगर नहीं आप मिक्स कीजिएगा तो। और साथ ही जो है हमारी बिरयानी की हुई प्याज जो थी वो जाएगी, थोड़ी सी मैं रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए, इससे थोड़ा सा खूबसूरत लुक आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और अब जो है हमने जो आपको दाल दिखाई थी, देखिए दाल मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था तो वो मैक्सिमम जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। बस इसमें जाकर के जितना देर आलू को लगेगा और चिकन को लगेगा गलने में उतनी देर उसे भी लगेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकेस आप अगर सोक नहीं करती हैं तो फिर आप क्या करेंगे उसे एक प्रेशर दे दीजिएगा एक सीटी आने के बाद, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि लाइफ आपकी ईजी हो जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अगर आपको नहीं चाहती है प्रेशर कुकर में तो आप कढ़ाई में या फिर पतीले में भी इसे कर सकती हैं अच्छे से। ऑलमोस्ट आपको लग जाएगा 15-20 मिनट लग जाएगा उसे आपको कुक करने के लिए। आपको बस इतनी करना है कि अब जब आलू और चिकन अगर ऐड कर रही हैं तो फिर उसमें वो बस गल जाए। और इसी में जो मैंने आपको दिखाया था दाल, वो दाल चली जाएगी। ये देखिए सारी दाल चली गई है, मिक्स कर दिया मैंने और अब इस स्टेज पे जो है फ्लेम मैं लो कर दे रही हूँ। लो करना है इसलिए क्योंकि हम लोगों को आलू और दाल को गलाना है और इसे मैं कवर कर दे रही हूँ और इसे फ्लेम लो कर दे रही हूँ इसे गलने के लिए। हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही हमारा राइस भी रेडी हो चुका है, उसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साथ हमारा राइस जो है मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और ये हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हुआ रेडी हुआ है ये। और आपको बता दूं कि हमारा राइस रेडी हो चुका है और दाल और चिकन साथ ही आलू जो मैं इसकी ग्रेवी रेडी कर रही हूँ सब चीज़ों के साथ वो अभी हमारा प्रोसेस में है, उससे मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है और उसे मैं दूंगी 10-15 मिनट। आफ्टर 10-15 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए हमारा ये कुक हो चुका है, आलू और दाल अच्छे से गल चुकी है। देखिए बहुत ज्यादा मत गलाइए कि ये बिल्कुल टूटने लगे, इतना ही गलाना है कि मुंह में जाए तो मजे से खा ले आदमी, सख्त भी नहीं लगे और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए। साथ ही इसमें लेमन जूस और इस स्टेज पे डाल देती हूँ क्योंकि सब कुछ हो चुका है, मिक्स कर लेंगे एक बार। ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी मैं रख रही हूँ एंड कोरिएंडर थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, मिक्स कर लेंगे इसे। और अब जो है हम लोग राइस जो था हमारा रेडी हुआ हुआ वो सारा राइस चला जाएगा।
ये सारा राइस चला जाएगा। फ्लेम हमारा लो है, अभी भी हमारा फ्लेम लो पे ही है। बस इसे राइस हम लोगों का कम्प्लीटली हो चुका है, बस इसे हम लोगों को दम ही देना है और कुछ करना नहीं है ऐसा। तो इसे जो है लो फ्लेम पे हम लोग हार्डली 5 to 7 मिनट रखेंगे एंड देन मैं इसे सर्व करके आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से सारा हमारा राइस चला जाएगा। मैंने बिरयानी डाला है और ये हमारा फूड कलर थोड़ा थोड़ा जा रहा है और इसी तरीके से मैं इसे दम दे दूंगी फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट के लिए ये दम जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हो गया। इसे इसे मैं कवर कर दे रही हूँ और इसे छोड़ दूंगी मैं 5 to 7 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा लॉ रेडी हो चुका है, मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और अब इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त से स्मेल आ रही है, इंशाल्लाह आपको भी बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त बनेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अब इसे आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट, बहुत जबरदस्त सा ये रेडी होता है। ये देखें जबरदस्त सी हमारी, आप इसे बिरयानी कह लें, बिरयानी है, जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है हमारी। ये जो पुलाव बनाया मैंने दाल वाला, ये देखें बहुत, ये देखें जबरदस्त सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत यम्मी लग रही है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जबरदस्त इसमें से स्मेल भी आ रही है और देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें सो दैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।